नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 साइंस, चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। इन लास्ट क्लास वी हैव सीन द कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नाउ लेट अस मूव टू कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नाउ There are certain force against which if we do work, then our work is conserved in some form of energy. There are ऐसे कुछ forces हैं against which इफ वी डू वर्क देन अवर वर्क, जो हमारा काम है, अगर हम उनके खिलाफ काम करें देन अवर वर्क गेट कंजर्व्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस तरीके से होता है, जैसे कि आप देखो, अगर आप ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करो, किसी भी चीज को, अगर आप मान लीजिए एक कोई स्टोन ही है, स्टोन को उठा के ऊपर उठाओ, तो इफ यू लिफ्ट दिस स्टोन, इस पर ग्रेविटी किधर लग रही है? नीचे की ओर डब्ल्यू लग रहा है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। लेकिन आप तो फोर्स ऊपर लगा रहे हो और इसको ऊपर उठा रहे हो, तो यू आर लिफ्टिंग इट। और आपने किसके अगेंस्ट में फोर्स लगाया है? इसके वेट के अगेंस्ट में। और जब इसको ऊपर उठाया, तो इस स्टोन को उठाकर आपने किसी एलमीरा के ऊपर रख दिया, ऐसे एलमीरा के ऊपर रख दिया, तो जो आपने काम किया देन इट विल गेट कंजर्व। तो इस स्टोन को उठाया और यहां रख दिया, तो इसमें एक एनर्जी आ गई। अब ये पत्थर गिरेगा तो ये कुछ काम करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, या कुछ ना कुछ काम कर सकता है। तो इसमें जो एनर्जी है, आप हमारा किया हुआ काम, ग्रेविटी के अगेंस्ट में हमारा किया हुआ काम पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर संग्रहित हो जाता है। इट गेट कंजर्व इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। दिस एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। दिस एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में अगर हम काम करेंगे, इफ वी डू, देखो हम फोर्स ऊपर लगा रहे हैं, वेट नीचे है, सो हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट में ही तो काम किया है। ग्रेविटी नीचे लग रही, हम ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो जो हमारा काम है, क्योंकि हमने फोर्स लगाया और उसको ट्रांसफर किया एफ इंटू एस, यहां से यहां तक, कहां तक ट्रांसफर किया? इतनी हाइट तक आपने ट्रांसफर किया कि नहीं? तो ये जो हाइट है, यहां से यहां तक आपने ट्रांसफर कर दिया, ग्राउंड से इस हाइट तक, तो वो डिस्टेंस अगर मान लीजिए एच है, और फोर्स आपने किसके इक्वल लगाया? एम जी के इक्वल। तो वर्क डन क्या होता है? इट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो आपने एम जी के इक्वल लगाया, और कितनी हाइट तक इसे उठा दिया, कितना डिस्प्लेस किया, जिधर फोर्स लगाया उधर ही डिस्प्लेस किया, ऊपर फोर्स लगाया ऊपर ही डिस्प्लेस किया, तो एच हाइट तक किया। तो ये जो वर्क डन है, वही वर्क डन गेट कंजर्व इन पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं वर्क डन की जगह पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूं, क्योंकि अब ये पोटेंशियल एनर्जी में बदल गया है, तो इसे ही पी लिखो, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया एम जी एच। दैट मीन्स ई पी इज इक्वल्स टू एम जी एच, ये फॉर्मूला हो गया। अब देखिए, कुछ ऐसे और फोर्सेस भी हैं। सो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में काम करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वो उसमें कंजर्व हो जाएगा। मैग्नेट में भी यही है। इफ वी ब्रिंग मैग्नेट हैविंग सेम टर्मिनल फेसिंग टूवर्ड्स ईच अदर, तो इफ वी ब्रिंग मैग्नेट नियर टू ईच अदर, जबकि नॉर्थ नॉर्थ है, तो मैग्नेट रिपेल करना चाहता है,
मैग्नेट में नॉर्थ नॉर्थ पोल आपस में रिपेल करते हैं, लेकिन हम काम कर रहे हैं इनको पास में ला रहे हैं। और मान लीजिए आपने इनको इतना पास में ला दिया, तो इसमें एक एनर्जी कंजर्व हो जाएगी, आपको काम तो करना पड़ेगा क्योंकि वो रिपल कर रहा था और रिपल्शन के अगेंस्ट में काम किया। आपने मैग्नेटिक फोर्स के अगेंस्ट में काम किया है, मैग्नेट रिपल करना चाहता था और आपने उनको पास ला दिया है। सो ऐसा जब हम करते हैं, सो वी आर वर्किंग अगेंस्ट मैग्नेटिक फोर्स, तो अब इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब इस मैग्नेट को जैसे ही छोड़ोगे ये भागेगा तो काम कर देगा, तो इसका मतलब है इसमें एनर्जी है क्योंकि छोड़ने से ही भाग गया और उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई। सो हियर वी वर्क अगेंस्ट मैग्नेटिक फोर्स, सो मैग्नेटिक फोर्स के अगेंस्ट में काम किया एंड अवर एनर्जी गेट कंजर्व इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड अवर वर्क गेट कंजर्व, जो हमने वर्क किया है गेट कंजर्व इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो मैग्नेटिक फोर्स के अगेंस्ट में भी काम करोगे तो आपका काम जमा हो जाएगा। जैसे बैंक में पैसा जमा हो जाता तो यहाँ भी आपका काम जमा हो गया। कोई 100 साल बाद भी आकर इसको, इन दोनों के यहाँ पर जो कंस्ट्रेंस हैं, अगर यहाँ कुछ लगा दिया जाए, दीवार लगा दी जाए, वॉल लगा दी जाए, उसको जैसे हटाएगा ये भाग जाएंगे तो काम कर देंगे। तो मैग्नेटिक फोर्स हुआ, उसके अगेंस्ट किया हुआ वर्क कंजर्व हो जाता है। ग्रेविटी के अगेंस्ट भी हमने पीछे देखा, तो ऐसे फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस कहलाते हैं। सो ऐसा इलेक्ट्रिक में भी होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स में जरा देखो, तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सिमिलर चार्जेज हैं, ये रिपेल होते हैं, इनमें टेंडेंसी है रिपेल होने की। लेकिन अगर इनमें हम फोर्स लगाएं, रिपेल होना चाहते हैं बट हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स अप्लाई करके हम इसको पास में ला रहे हैं और हमने इसको बहुत फोर्स लगा के पास ले आए, तो इसमें हमारा जो काम है, हमने डिस्प्लेस भी किया, फोर्स भी लगाए, वो जमा हो जाएगा। सो व्हेन वी डू वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल फोर्स, वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल फोर्स, देन आवर वर्क गेट कंजर्व इन फॉर्म ऑफ पी। तो इसमें यहां जब हम पास ले आए हैं, इट कंटेन्स पोटेंशियल एनर्जी, तो ये जो आपने चार्जेस को पास कर दिया है, नाउ इट हैज पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर भी इट कंटेन्स पीई। अगर इसके किनारे के कंस्ट्रेंट्स हटा दोगे, बाधाएं हटा दोगे, तो ये भाग जाएंगे। यहां पर भी कुछ आपको लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये भाग जाएंगे। ऐसे ही स्प्रिंग फोर्स भी है। मान लीजिए कि ये एक स्प्रिंग है अपनी नेचुरल लेंथ में, एंड यू आर कंप्रेसिंग इट बाय प्लेसिंग योर हैंड नियर इट। आपने इसको कंप्रेस कर दिया, सो यू आर कंप्रेसिंग इट, तो इसमें अब एनर्जी आ गई है। आपने वर्क डन किया स्प्रिंग के अगेंस्ट में, स्प्रिंग खुला रहना चाहती है, आपने उसको दबा दिया। स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में रहना चाहती है। अगर आप इसके अगेंस्ट काम करोगे, इसको मान लीजिए इसकी लेंथ इंक्रीज करोगे या इसको कंप्रेस करोगे, इलॉन्गेट करोगे, कंप्रेस करोगे, इन बोथ द केसेस यू आर वर्किंग अगेंस्ट इट्स कन्फिग्रेशन। तो दोनों ही केसेस में अगर खींचोगे तो दबना चाहेगी, दबाओगे तो ये खींचना चाहेगी। सो इन दिस केस योर वर्क इज गेटिंग कंजर्व, हाथ हटाओगे तो ये रीअसर्ट करेगी, बाउंस बैक करेगी। सो व्हेन वी डू वर्क अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स, ऐसे फोर्सेस को स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। वर्क हमने किया, इट गेट कंजर्व
इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई। इट कंटेन्स, जो स्प्रिंग है, इट कंटेन्स पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही जब भी हम किसी ये क्रॉस, वो है जो एरो है, धनुष बाण, अगर मान लीजिए इसका हमने कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया, सो हियर इसमें जो ऐसा करने से हमने इसको खींच लिया, तो ऐसा करने से इसके जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और इसके जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल हैं उनका हमने डिस्टर्ब कर दिया, उनके जो स्ट्रक्चर उसको डिस्टर्ब कर दिया, तो ये अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स। तो चार्जेस को जब आप डिस्टर्ब करोगे तो फिर वो अपनी जगह लेना चाहेंगे। तो आप किसी भी चीज़ के कन्फिग्रेशन को डिस्टर्ब करोगे। इवन स्प्रिंग में भी यही था, आपने खींचा या दबाया, व्हेन यू कंप्रेस इट और इलोंगेट इट, इन बोथ द केसेस यू आर ओनली डिस्टर्बिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, हेंस इट वॉन्ट टू रीअसर्ट टू रीगेन द सिमिलर स्ट्रक्चर विच अर्लियर इट वॉज हैविंग। द सेम इज द केस विथ क्रॉसबो, द सेम इज द केस ऑफ एनी स्ट्रक्चर। जैसे गुलेल होती है, गुलेल की रबर खींचते हैं तो स्टोन दूर जाता है। तो अब हम देखते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। देखो, अगर मान लो कुछ ऐसे भी फोर्सेस हैं जिनके अगेंस्ट में अगर आप काम करोगे तो आपका काम जमा नहीं होगा। मान लीजिए एक ऐसी सरफेस है और इस पर आपने एक ब्लॉक को मूव कर दिया, आपको मेहनत तो बहुत लगी क्योंकि ये रफ सरफेस है, तो आपने ब्लॉक को मूव भी किया, तो इसका कुछ ना इस पे फोर्स लगाया और कुछ इसका डिस्प्लेसमेंट किया, तो आपने वर्क डन तो किया जो कि एफ इंटू एस के इक्वल है, बट वो वर्क डन खो गया, वो हीट में कन्वर्ट हो गया। आप फ्रिक्शन के अगेंस्ट पे काम करोगे तो क्या ये बॉडी वापस आ जाएगी? आपका काम गया। फ्रिक्शन के अगेंस्ट में जमीन में आप क्या करते हो, कभी टेबल खिसकाते हो, कभी चेयर खिसकाते हो, कभी वापस मिलता है। और अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करते हो, किसी चीज को ऊपर रख देते हो, अलमीरा के ऊपर मान लीजिए फ्लावर वेस रख दिया, गुलदान रख दिया, तो वो गिरेगा तो काम कर देगा। ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करोगे, बुक्स को रैक में रखोगे तो बुक गिरेंगी तो काम कर देंगी, लेकिन उसमें तो आपका वर्क जमा हो जाता है। बट फ्रिक्शन के अगेंस्ट में करोगे और सोचोगे ये बुक वापस आ जाए तो नहीं आएगी। तो ये जो फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स, इट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि इसमें हमारा काम कंजर्व नहीं है, संरक्षित नहीं है। कंजर्व का मतलब संरक्षित, जमा। सो कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब संरक्षित बल, जिसमें हमारा काम जमा हो जाए उसको कहते हैं, हमारा काम संरक्षित हो जाए, जमा हो जाए, तो ऐसे बल को कहते हैं संरक्षित बल। सो दोज फोर्सेस अगेंस्ट विच इफ वी डू वर्क, कौन कौन से ऐसे फोर्सेस हैं? दोज फोर्सेस, जैसे कि हमने आपको बताया ग्रेविटी के अगेंस्ट में कर लो, मैग्नेट के अगेंस्ट में कर लो, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में कर लो, स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में कर लो, स्प्रिंग फोर्स भी इलेक्ट्रिक फोर्स ही है। सो दोज फोर्सेस, ऐसे फोर्सेस अगेंस्ट विच इफ वी डू वर्क एंड आवर गेट कंजर्व इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड अवर वर्क गेट कंजर्व्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, देन दैट फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स, देन दैट फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। तो वो बल जिसके विपरीत हम काम करें, विरोध में हम काम करें और हमारा काम जमा हो जाए, तो उस बल को संरक्षित बल कहते हैं।
जैसे कि इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स हो गया, और पीछे हमने एक स्टोन को ऊपर रखा था तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, यहाँ स्प्रिंग फोर्स हो गया, ये सभी कंजर्वेटिव फोर्स हैं। ठीक है, इफ वी डू वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन देन इट इज लॉस्ट, वो जमा नहीं होता है, तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। इफ वी डू वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, देखो W इज इक्वल टू एफ इन टू एस, वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन देन इट गेट लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ हीट। जब ड्रैग करोगे तो हीट, यहां पर आप हाथ ही रगड़ के देखो आपस में एक दूसरे हाथ को, तो हीट पैदा हो जाती है। तो फ्रिक्शन में क्या होता है कि हमारा वर्क डन दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, देन इट इज लॉस्ट और वो कंजर्व नहीं होता, एंड डज नॉट गेट कंजर्व, फिर उसको आप काम में नहीं ले सकते, जमा नहीं हुआ है वो फोर्स, यहां जमा हो गया, जैसे ही आप छोड़ोगे तीर उड़ जाएगा। सो एंड डज नॉट गेट कंजर्व सच फोर्स इज कॉल्ड, ये वाला फोर्स, सच फोर्स इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सो फ्रिक्शन इज, दो तरीके के फोर्स होते हैं, एक कंजर्वेटिव फोर्स और एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो जो फ्रिक्शन है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ये बात हो गई। नाउ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वो हमने बता दिया, एनर्जी कंटेन्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन और कन्फिग्रेशन। तो ये सब इसका कन्फिग्रेशन ही तो है, पास आ गया कन्फिग्रेशन बदल गया, ये पास आ गया कन्फिग्रेशन बदल गया, यहाँ इसका स्ट्रक्चर बदल गया। या ग्रेविटी की बात करें तो कोई चीज अगर आपने ऊपर रख दी है तो उसका पोजिशन बदल गया। तो वॉट इज पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज एनर्जी कंटेन्ड बाई अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन और कन्फिग्रेशन। इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तभी होती है जब हम कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में काम करते हैं, जैसे ग्रेविटी, मैग्नेटिक फोर्स, ये सारी चीजें। नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट तो किसी भी चीज को अगर आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाओ इस पर, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना उसका नीचे की ओर mg वेट लग रहा है ग्रेविटी, उतना ही लगाना पड़ेगा तभी आप उसको ऊपर उठा पाओगे। एंड यू लिफ्ट इट अप टू सर्टेन हाइट, आपने इसको h हाइट तक उठा लिया। सो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क फोर्स आपने कितना लगाया mg के इक्वल, जितना वेट है उतना ही उसके अपोजिट फोर्स लगाया, और डिस्प्लेसमेंट कितना किया h, तो जो वर्क डन है वही इसमें जमा हो जाएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी इसमें PE हो गया है, जब किसी चीज को उठाते हो तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है, वो चीज गिरेगी तो काम कर देगी क्योंकि उसमें एनर्जी है। तो जो काम आप हैमर से किसी चीज को तोड़ोगे, ये ईंट गिरेगी तो वही काम कर देगी। तो इस तरीके से ये पोटेंशियल एनर्जी बन गया, जिसे ईपी कह सकते हो। सो ईपी का फॉर्मूला क्या हो गया, mgh। इसकी भी यूनिट जूल है,
यूनिट ऑफ ऑल एनर्जी जूल, तो पोटेंशियल एनर्जी की भी यूनिट जूल हो गई। नाउ अब जरा देखें कि जो भी कंजर्वेटिव फोर्स हैं, जैसे ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, ये चीज होती है। तो कंजर्वेटिव फोर्स की एक प्रॉपर्टी होती है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी या कंजर्वेटिव फोर्स, कुछ भी नाम ले सकते हो। सो लिखा है आपकी बुक में कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, जो कि एक कंजर्वेटिव फोर्स है। अभी सेंटेंस को पूरा नहीं करते हैं, अभी एक चीज पूछते हैं आपसे फिर पूरा करेंगे। मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को जो कि एम मास का है, मैं यहां पहुंचाना चाहता हूं, तो मैंने इसको यहां से यहां ले लिया, लेकिन मेरे एक साथी ने इसको इस रास्ते से यहां लिया और दूसरे साथी ने इसको ऐसे लिया, तो मैंने ए पाथ से लिया, इसने बी पाथ से लिया और इसने सी पाथ से लिया, तो किसने सबसे ज्यादा काम किया? मान लीजिए आपकी बुक में भी दिया गया है कि टू डिफरेंट पाथ हैं, तो उसमें किसी चीज को उठाया गया, उसी हाइट पे उठाया गया है, सो आपने उठाया और आपके दोस्त ने उठाया, तो किसने ज्यादा काम किया? सो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, इट ओनली डिपेंड्स ऑन एंड पॉइंट्स, इट ओनली डिपेंड्स ऑन एंड पॉइंट्स। तो इन तीनों ही केसेस में आपने एच हाइट उठा ली है, तो इसमें एमजीएच, देख लो एमजीएच लिखा भी है, MgH पोटेंशियल एनर्जी है, इसका किया गया काम और इसका किया गया काम सेम है। सो इन ऑल द थ्री केसेस वर्क डन इज सेम, एज द पोटेंशियल एनर्जी पजस्ड बाई दिस ऑब्जेक्ट इज MgH। ऊपर अभी हमने फार्मूला बताया था आपको MgH, तो जब हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट में तो उतना ही काम किया, सो इट इज इनडिपेंडेंट ऑफ पाथ। देखो अच्छी बात लिखी है, इट इज इनडिपेंडेंट ऑफ पाथ, कंजर्वेटिव फोर्स की यही पहचान है, ये पाथ पे निर्भर नहीं करता, इट ओनली डिपेंड्स ऑन एंड पॉइंट, कहां से कोई चीज कहां ले जाई गई है सिर्फ इस पर डिपेंड करता है। सो इन ऑल द थ्री केसेस वर्क डन इज सेम, इन ऑल द थ्री केसेस वर्क डन इस सेम। तो ये क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा आपसे कि क्या वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है, तो आप बोल देना नहीं, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। सो यहां हम देखते हैं कि जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इनटू हाइट अप टू विच इट इज रेज्ड, नो मैटर फ्रॉम विच पाथ, आप इसे घुमाते रहो, दिन भर घुमाते रहो तब ऊपर ले जाओ, तो भी इतनी ही इसमें एनर्जी कंजर्व रहेगी। जो चीज अगर कोई तीन गुलदान रखे हैं किसी अलमीरा पे, और किसी ने घुमा घुमा के गुलदान रखा, किसी ने सीधा रख दिया, किसी ने ऐसे करके रख दिया, तो तीनों ही केस में गुलदान में उतनी ही एनर्जी है, तीनों गुलदान गिरेंगे, फ्लावर बेस गिरेंगे अगर किसी उससे, तो उतना ही काम करेंगे। तो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, एंड पॉइंट पे डिपेंड करती है। नाउ एग्जांपल 11.5, यही कंजर्वेटिव फोर्स की पहचान भी होती है कि वो ऐसे फोर्सेस जो भी होते हैं तो उनके अगेंस्ट में किया गया काम पाथ पे डिपेंड करता ही नहीं है। एग्जांपल 11.5, नाउ फाइंड द एनर्जी पजस्ड बाई एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg व्हेन इट इज एट ए हाइट ऑफ 6 meters अबव द ग्राउंड। तो कहा गया है कि मास उसका 10 kg है,
और हाइट इसकी कितनी है, दैट इज 6 मीटर अबव द ग्राउंड है, और जी की वैल्यू बताई गई है कि 9.8 मीटर पर सेकंड लेनी है, और पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है। सो ई पी इज इक्वल्स टू एम जी एच, सो इट इज 10 × 9.8 × 6, ये चीज हो गई। सो 10 का मल्टीप्लाई इसमें करो तो 98 हो जाएगा इंटू 6, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, सो इट इज 58 इतने जूल। सो पोटेंशियल एनर्जी पजस्ड बाई बॉडी इज 588 जूल। आपने उसको 2 मंजिल ऊपर उठा लिया था, 3 मीटर का एक कमरा होता है हाइट का, तो 2 कमरे ऊपर कोई चीज लेगा 10 किलो आटे को, 10 किलो आटा होता है, 10 किलो आशीर्वाद आटे की बोरी होती है, तो आपको कितना काम करना पड़ेगा। पजेस्ड बाई बॉडी इज, तो उस बोरी में इतनी एनर्जी आ गई है, अब वो बोरी 2 मंजिल ऊपर से नीचे गिराओगे तो इतनी एनर्जी दे देगी। एग्जाम्पल 11.6, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg इज एट ए सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड, इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस इज गिवेन, फाइंड द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पर है ये पता करना है। मास दिया है, जी दिया है और एनर्जी दी है, इस बार हाइट पूछी जा रही है, सो हाइट हमें बतानी है। एग्जाम्पल 11.6, मास इज 12 kg, नाउ पोटेंशियल एनर्जी इज 480 जूल, एंड द हाइट पूछा गया है और जी की वैल्यू दी है, दैट इज 10 m/s² यहां भी होगा, और हाइट पूछी गई है। सो ई पी इज इक्वल टू एम जी एच, वही फार्मूला लगा दीजिए, जहां एम जी है फोर्स, एच है डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है फार्मूला वर्क का ही, लेकिन वर्क जो है पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और जो फोर्स आप लगाते हो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में, तो डब्ल्यू के इक्वल होता है वेट के इक्वल, और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इनटू एस का ही तो फार्मूला है, तो दैट इज 480, इट इज इक्वल्स टू 12 × 10 × एच नहीं पता है, तो 480 में आप किससे डिवाइड कर दो, 12 × 10 से इधर की चीज इधर ले आओ नीचे, तो उधर एच बच जाएगा, 1 0 से 1 0 काटो और 12 से इसको कट कर दो तो 4 आ गया, तो एच इज इक्वल्स टू 4 मीटर, तो वो ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पर होगा, 12 किलो की चीज है वो कितनी हाइट पे पहुंचा दी जाए कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी हो जाए, तो 4 मीटर ऊंचा उठा दो उसमें इतनी एनर्जी आ जाएगी। सो द ऑब्जेक्ट इज एट ए हाइट ऑफ 4 मीटर, ऑब्जेक्ट इज एट अ हाइट ऑफ 4 मीटर, इतनी हाइट पर है। नाउ हमको मालूम है कि एनर्जी एक दूसरे के फॉर्म में इंटर कन्वर्टिबल है, वन एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म, तो अगर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो, फ्रिक्शन कहीं ना हो, ऐसा हम एक सिस्टम लें जिसमें एयर भी ना हो, बिल्कुल चारों तरफ से बंद हो, वैक्यूम हो, एयर भी ना हो, कुछ भी ना हो, तो ऐसे सिस्टम में अगर हम कोई भी चीज एक ऊपर से कोई चीज गिराएं, फिर वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, फिर वो उसके बाद आपस में नीचे भी ऐसी कोई चीज ना हो कि जिसमें फ्रिक्शन हो, जैसे पिंग पोंग की बॉल होती है, ऊपर से गिराओगे तो उतनी ही हाइट पे जाएगी, एक ऐसी भी बॉल आती है, तो अगर कोई डिसिपेटिव फोर्सेस ना हो, तो ऐसे केस में
पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम, जिसको कि अभी हमने पिछली क्लास में मैकेनिकल एनर्जी भी बताया था, वो कंजर्व रहता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का क्या सिद्धांत है, जरा वो देखें। सो व्हाट इज, एक हमने देखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, लेकिन एक हम और देखने जा रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ऑफ जो अलग अलग मशीनों को चला सके ऐसी एनर्जी, उसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा जो यंत्रों को चला सके वो भी कंजर्व रहती है, तो यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो सबसे पहली बात कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, दैट इज ई के और प्लस ई पी, ये कॉन्स्टेंट रहेगी, इनका सम एक दूसरे में अदलती बदलती रहेंगी। मान लीजिए ऊपर से बॉल आपने छोड़ी, अभी इसके पास 10 जूल एनर्जी है ऊपर हाइट में, रेस्ट पर है, लेकिन जब नीचे बॉल आएगी तो धीरे धीरे मान लो इसमें एक स्पीड आ गई। तो अब इसके पास अगर कोई आपसे कहे कि इसमें काइनेटिक एनर्जी जो कि हाफ एम वी स्क्वायर होती है, इसमें स्पीड आ गई और इसका मास भी कुछ होगा, तो कोई अगर आपको ये बता दे कि 6 जूल इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई है, और आपसे पूछे अच्छा पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो तुरंत 4 जूल बता देना, क्योंकि जितनी अभी यहाँ इस पर टोटल एनर्जी 10 जूल है, तो वही पोटेंशियल एनर्जी का कुछ पार्ट तो काइनेटिक में बदला है और बची हुई इतनी है। अब मान लो ये ग्राउंड के ठीक पास आ गई तो इसकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी, अभी टच नहीं की है, तो ऐसे समय में जब ये और नीचे आ जाएगी तो और स्पीड बढ़ेगी। यहाँ पर अब इसकी ग्राउंड से दूरी 0 हो गई, अब जब 0 हो गई तो बताओ ईपी कितना हो गया, एम जी एच, अब एच तो 0 हो गया, एच ही 0 हो गया, तो ये 0 हो जाएगी। तो ऐसे केस में अब कोई पूछे अच्छा काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो पूरी 10 जूल बता देना, यानी पूरी पोटेंशियल एनर्जी पूरी काइनेटिक एनर्जी में बदल गई, और बीच में धीरे 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 बदलती जाएगी और लास्ट तक पूरी बदल जाएगी, क्योंकि जब हाइट ही नहीं रहेगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, उसकी पोजिशन की वजह से तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी थी। तो इसलिए ये आपस में एक दूसरे में बदलती रहती हैं। ये यहाँ पर इसके पास पूरी पोटेंशियल एनर्जी है, जबकि ऊपर में ये रेस्ट पर थी तो काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो बताओ इन दोनों का सम कितना है, 10 जूल। यहाँ पे इन दोनों का सम कितना है, 10 जूल। यहाँ पे इन दोनों का सम कितना है, 10 जूल। तो ये कांस्टेंट रहती है। तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी जो कि मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है, इन दोनों का यही मैकेनिकल एनर्जी सम है, हमने पहले बता दिया है। तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, लेकिन वहाँ फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे वो साउंड होगा, कहीं कुछ होगा, हवा की वजह से ये धीरे धीरे लॉस हो जाएगी। कॉन्स्टेंट इफ ऑब्जेक्ट इज प्योरली अंडर कंजर्वेटिव फोर्स, कोई ड्रैग ना हो, कोई फ्रिक्शन ना हो। इफ ऑब्जेक्ट इज प्योरली अंडर कंजर्वेटिव फोर्स, तो अगर प्योरली अंडर कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो इन दोनों का सम कांस्टेंट रहेगा। कहने का मतलब है ई के का क्या फार्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ई पी का क्या फार्मूला होता है, एम जी एच, तो ये चीज कांस्टेंट रहेगी।
सो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इस चीज को बताया गया, इसी पर हम इसको प्रूफ भी करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि कैसे ये कांस्टेंट है। नाउ तो ये चीज हमने देख ली, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इसका प्रूफ क्या है बच्चों, इसको हम अगली क्लास में देखेंगे। इस क्लास के लिए इतना ही।